राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, त्यौहार का सीज़न आ गया है। मैंने ये वीडियो त्यौहार स्पेशल ही बनाई है, और त्यौहार शरद पूर्णिमा से चालू हो जाते हैं दीपावली का त्यौहार, और सबसे पहले दीपावली के पहले ही शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का भोग लगता है। इस दिन माँ लक्ष्मी ये हमारी धरती पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, और खीर में सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने आज माँ लक्ष्मी के लिए स्पेशल खीर बनाई है। तो ये खीर मैंने जो माँ लक्ष्मी को चीज़ें पसंद है वही डाली है। वैसे ये प्योर दूध और चावल से ही बनी। मैंने इसमें ना तो मिल्क मेड डाला है, ना मिल्क पाउडर डाला है, और ये केवल दूध और चावल से बनी हुई है। ये कैसे बनती है, ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी ठीक बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी, देखने में भी बहुत अच्छी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो ये चावल की खीर माँ लक्ष्मी की पसंद की है, इसलिए इसको चलिए देखते हैं ये खीर कैसे बनी है और माँ की पसंद की क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी हैं। चलते हैं माँ अम्बे रसोई में इसकी खीर की रेसिपी देखने। वैसे तो ये खीर चावल जो नए चावल आते हैं शरद पूर्णिमा को उसी की खीर बनती है ये, लेकिन मैं पुराने चावल से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय चावल नहीं थे नए। तो आप जब शरद पूर्णिमा के लिए बनाएं तो नए चावल की ही बनाएं, और वैसे बनाना हो तो पुराने चावल बनाएं। अब एक बाउल लीजिए, उसमें ये चावल डाल दीजिए, और चावल में पानी डालिए, और पानी को से डालकर हाथ से मसल मसल के अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। करीब दो तीन पानी चार पानी से इसको साफ़ करके धो लीजिए। जब तक गंदा पानी निकले तब तक इसको साफ़ करते रहें। फिर पानी डालकर आधा पौन घंटे के लिए फुलो के रख दीजिए। देखिए आधा घंटा पौन घंटा हो गया, मेरे चावल फूल गए हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हमें निकाल देना है। ना हो तो आप चाय की छन्नी भी लगा सकते हैं। वैसे मैं तो ऐसे ही निकाले ले रही हूँ पानी, और चाय की छन्नी से आप निकाल सकते हैं, आपसे नहीं निकलता है। तो जब पानी निकल जाए तो हमें गैस पर एक कोई पैन या बर्तन जो भी आपके पास हो वो चढ़ा लिए। मैंने तो नॉन स्टिक कढ़ाई थी वो चढ़ाई, उसमें एक चम्मच देसी घी डालना है। देसी घी ही डालें, कोई ऑयल वगैरह मत डालें, क्योंकि भोग के लिए बना रहे हैं। वैसे भी खीर में देसी घी ही डालें तो ज़्यादा थोड़े। अब मैंने दो इलायची ली है, दो इलायची को कूट लिया है, उसके दाने निकाल कर देसी घी में डाल दीजिए। ऐसा करने से हमारी खीर के फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अब ये दाने को ऊपर नीचे करके कंचली से या चमचे से आप चला लीजिए। जब ये दाने अच्छे से भुन जाएँ तो इसमें सारे जो चावल हमने धोए थे फुलोए थे वो सारे इसमें हमें डाल देने, और इस चावल को इस घी में अच्छे से गुलाबी होने तक का भूंजना है। ऐसे ही चलाते हुए जब पहले पानी ख़त्म होगा, इसका जो पानी गीले हैं वो पानी में रहेगा, फिर ये चावल भूंजेंगे घी में। इस ऐसे करने से चावल की खीर बहुत ही अच्छी बनती है। वैसे आप नए चावल की बनाएंगे तो कोई बात नहीं, उसको भी इसी तरह बनाइएगा, और लेकिन नए चावल से तो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, लेकिन ये पुराने चावल हैं, सेला चावल हैं, तो इनसे इतनी जल्दी मेरी खीर गाढ़ी नहीं होगी। अब ये चावल का देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है इसका, देखिए पिंकनेस जैसा हो रहा है। अब ये अच्छी तरह से भुंज गए हैं। अब इसमें दूध डालते हैं, आधा लीटर ये दूध है, आधा लीटर मैंने इसमें दूध डाल दिया है। यदि कम पड़ेगा तो अब मैं खीर को कवर करके पकने देती हूँ, और ये कवर कर दिया है। अब मैं 15 मिनट बाद इसको खोल रही हूँ। तो ये खीर तो पक गई है पर अभी मिली नहीं है। अब मैं इसमें केसर डाल रही हूँ, करीब 15-20 केसर के पंखुड़ी डाल दी है। अब इसमें दूध की कमी लग रही है तो अब हम इसमें ये आधा गिलास दूध और डाल रही हूँ, और इसको दूध डालकर इसमें चीनी डालनी है तो 1/4 कप चीनी भी डाल रही हूँ। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
यदि ज़्यादा खाते हो तो इतनी डाल लीजिए, लेकिन कम खाते हो तो थोड़ी कम डालिएगा। अब इसको खौल आने तक पकाते हैं और फिर इसको आँच को धीमी कर देते हैं। अभी ये मिली हुई नहीं है, अच्छे से जब मिल जाएगी खीर तभी स्वादिष्ट होगी। अब माँ लक्ष्मी को हल्दी और भगवान विष्णु को हल्दी पसंद है, इसलिए थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। आप केसर ज़रूरी नहीं डालें, और ये थोड़ी सी मैंने मेवा डाली है, और ये पिस्ता है, और ये है गरी का बुरादा, और ये 3-4 बादाम काटे हैं, और मखाने हैं। मखाने ज़रूर से डालें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मखाने बहुत प्रिय हैं, इसलिए इसमें मखाने ज़रूर से डालें। अब मैं इसमें ये देखिए, खीर तो बिल्कुल पककर एकदम तैयार हो गई है, और अच्छे से ये मिल भी गई है, और चावल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं खिले खिले। और अब इसमें मखाने डाल रहे हैं, और अब इसमें पिस्ता डालेंगे, और इसके बाद गरी का बुरादा है, और थोड़े से बादाम डाल लेंगे, और थोड़ी सी मेवा मैंने बचा कर रख ली है गार्निश करने के लिए। और इसको अच्छे से मिल जाए और खौल आ जाए तो गैस बंद कर देंगे। अभी खौल नहीं आई, इसलिए अभी थोड़ी देर इसको हम चलाते रहेंगे, और आखिरी में चलाते रहिएगा, क्योंकि दूध गाढ़ा हो जाता है तो लगने का नीचे से बहुत डर लगता है। ज़रा सी भी आपकी खीर लग गई तो खीर का पूरा स्वाद बर्बाद हो जाएगा। चलिए देखिए, खीर में भी खौल आ गया है, और ये बिल्कुल पक कर एकदम रेडी तैयार है। आपको मेरी ये खीर की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची डाल रही हूँ, मैंने चीनी के साथ पीस रखा था, आधी चम्मच डाला है, और पहले भी इलायची डाल चुके थे, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ी सी इलायची मैंने पिसी हुई डाल दी है। चलिए अब हम गैस बंद करते हैं, अब इसको परोसते हैं। अब चलिए देखिए कितनी अच्छी खीर बनी है, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे मेरी खीर कैसी बनी है। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ एक बाउल पर, और यदि भगवान को भोग लगाना है तो आप किसी भगवान के बर्तन पर, आपके पास जो पीतल के हों या चांदी के हों तो बहुत अच्छा है। शरद पूर्णिमा को जैसे चांदनी रात होती है, वैसे ही चांदी के बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए। ये देखिए मैंने एक चांदी की कटोरी में ही सर्व कर रही हूँ, और भगवान को भोग लगाने के लिए। अब इसमें थोड़ी सी ऊपर से मेवा डालिए, और इसको अच्छे से गार्निश कर लीजिए। देखिए खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा को किस तरह हमें खीर बनानी है, और भगवान माँ लक्ष्मी की पसंद की क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी हैं। खीर तो आप बनाते होंगे, लेकिन ये चीज़ें शायद आप डालते हैं कि नहीं डालते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। खीर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और मेरी वीडियो को